बजाते रहो। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one, bear on deck, run deck. Morning number one, bear on deck. Morning number one, bear on deck, run deck. Morning number one, bear. एक बार फिर बजा। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर। नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है, इसी बारे में मैंने यानी बहुआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो। हेलो, कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा, कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में, टंग अंडरटेकर। हाँ, वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया, ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा, आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा, तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे, अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा, तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है तो ये गाना गाता है, भाई साहब आवाज आ रही है, तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, हाँ, जो माता रानी कहती जो देती है, हाँ, जेब में होता, हाँ, माता तेरा मोर, हाँ, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही, हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं नहीं, माँ माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए, माँ की कृपा होती है। ऐसे बोल रहे हैं, क्या है बावली, क्या से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है, इसका नाम क्या बैठागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान, शब्द के लिए लोन ले ले। बैठागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद, हाँ, बिग शो की काली बनियान निचोड़ कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती हूँ गाइस, अरे से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है, गिगली पागल हो गई। इंडियाज नंबर वन आर जे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफ एम, बजाते रहो। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस एंड रेड एफ एम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर वन शो विद इंडियाज नंबर वन आर जे। एक बार फिर बजाओ। प्यार पे लोगों का ध्यान नहीं होता, ये साबित कर दिया बउआ ने। डेज आप चाहे जितने मलान हो, प्यार में आपका ध्यान नहीं होता। सुनिए एफ से रॉकिंग बउआ ने किन भाई साहब के मजे लिए। हेलो। हेलो जी, नमस्ते जी अंकिल। नमस्ते, कौन? वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं बोल रहा था। हाँ, वैलेंटाइन डे मुबारक हो, लेकिन कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए, प्यार जिंदगी में जरूरी है, ये बात तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्यार तकलीफ भी दे सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे से क्या? आपसे ये चाह रहा हूँ, एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है। अच्छा। जहाँ हम आपको सुनाएंगे प्यार वाला गाना, ठीक है, क्योंकि प्यार वाला दिन है, ठीक है, आपको काउंट करना है कि इस गाने में कितनी बार प्यार बोला गया, सिंपल। अच्छा। सपोज ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ, प्रैक्टिस करते हम लोग, आवाज आ रही है? अब देखो, पहली बार, एक बार, हाँ, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, तो ये एग्जाम्पल था।
अच्छा अब काउंट करिए आप कितनी बारी प्यार है, शुरू करते हैं फिर से यही गाना, शुरू करना। पहला प्यार आ रहा है, एक होगा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। मिस हो गया आपका यार, कितना प्यार आएगा। एक सेकंड रुको ना, अब अगला गाना सुनाता हूँ, सॉरी दूसरे सुनिए। एक, हाँ, दो, दो, हाँ, ये बड़ा वाला प्यार है। तीन, तीन, हाँ, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। गलत नहीं, अबे तो एक सेकेंड, ऐसा तो नहीं यार, अगला वाला सुनिए ना आप। हाँ, ढंग का गाना सुना। हाँ, दे दे प्यार दे, दो, दो, प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। आप गलत, एक आखिरी प्लीज, लास्ट सॉन्ग प्लीज, हमको बड़ा ही, इसमें काउंट करिएगा प्यार, स्टार्ट। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। कितना प्यार है, सबने मेरे लिए प्यार को समझ के यहाँ पे मजाक कर। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, सात, सात, आठ। प्यार में ध्यान नहीं दे रहा, एक मिनट, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस एंड रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर वन शो विद इंडियाज नंबर वन आरजे। एक बार फिर बजा। और भैया समा बांधना हर इंसान को नहीं आता है, और कैसे बांधा जाए इस पे मैंने एक भाई साहब के मजे लिए, कैसे जरा सुनिए ऐसे। हेलो 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 कौन, हेलो हेलो, अरे हेलो, हेलो, अरे कौन भाई साहब, चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी एक मिनट बात सुनिएगा, शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ, उसने FIR करवाई है? सुन तो है, पूछो तो क्यों कटवाई, क्या हुआ, एक मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। तो बता क्या हो गया। मेरा एक दोस्त है कादम्बरी, अच्छा घंटा, अच्छा उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना, मुझे एक सेकंड तो सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता, फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया, किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने, यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ, बता जल्दी। सॉरी तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे, उनने जो बोला पत्थर की लकीर, अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है, तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन के FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट, कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फर्स्ट, बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना वंस। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है, शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है उसका नाम समा शरीफ है, तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने, अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे? गलत क्या बोल रहा है, समा नहीं बांधूंगा, उनने पापा ने बोला कि तो उसके बाप के सामने जाना। इसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस एंड रेड FM प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर वन शो विद इंडियाज नंबर वन आरजे। मॉर्निंग नंबर वन, मॉर्निंग नंबर वन, मॉर्निंग।
वन पे रौनक रौनक मॉर्निंग नंबर वन पे एक बार फिर बजाओ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? किसी भाई साहब ने मेरे को टॉपिक दिया कि बताओ टीचर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर। मैंने कहा मैं फोन लगा के भाई साहब को यही समझाऊंगा, उनके मजे लूंगा। कैसे लिए? ऐसे। हेलो मम्मी, मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो, दो मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ, आप चिल्लाओ मत थोड़ा भी। हेलो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आज, आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर रहे। हेलो, हाँ मम्मी अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है, हमसे ही बात कर ले। ठीक है भाई। नमस्ते जी अंकिल। हेलो। हेलो, घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर दिया, झगड़ा हो गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला, मैंने तो पहले ही बताया था। अच्छा, कि तुझे रानी की तरह रखूंगा। मम्मी को लगा रानी की तरह रखूं, वो रानी की तरह रख रहे हैं, वो पहली बीवी है दूसरी। तो इसी बात में मम्मी भड़क गई। रख लो, गलत मत ना बोल। मेरी मेरी बात सुनो। सुनाओ। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा, तो कान कैसे जल गया? मैं क्या ना प्रेस कर रहा था अपना जांघिया, अचानक फोन बज गया। अच्छा, तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा, तो दोनों कान कैसे जल गया? नहीं, फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए। आदमियों की कमी है। ए, गलत मत ना बोल। अच्छा, समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर इंजीनियर या टीचर, बताओ? इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं टीचर बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और एक टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी। कौन समझदार ज्यादा? अरे वाले बस लगा रहा टीचर के लिए बजाओ ताली। बस फोन काट दिया। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस एंड रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर वन शो विद इंडियाज नंबर वन आरजे। मॉर्निंग नंबर वन पे रन दक रन दक मॉर्निंग नंबर वन पे Morning number one pe Ronak Ronak Morning number one pe एक बार फिर बजा। अशोक भाई ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कहते हैं फरवरी का महीना प्यार इश्क मोहब्बत का महीना होता है, जोड़ियां बनती भी हैं इस महीने और टूटती भी हैं। अब इसी पर बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा, क्या हाल है? अरे बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बउए बोलो। बउए नहीं, बउए तो बहुवचन हो गया, मैं एक वचन बउआ। अकेली हूँ फिलहाल तो, लेकिन मैं दुकेले हो जाता अगर वहाँ बोल देती, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली जाती। कौन? क्यों रो रहा है, क्या हुआ? रो नहीं रहा हूँ, पैर पे कुर्सी का पहिया आ गया। अबे ओ पहिये, तेरी कुर्सी का जल्दी बोल, क्या बोल? सॉरी गंदा मत बोल। मैं कह रहा हूँ पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ी पता है? क्यों? एक दिन गोलगप्पे की दुकान पे ले गया। अच्छा, 50 गोलगप्पे खा लिए। अच्छा, फिर बोलती और खाऊं? हाँ। मैंने कहा नागिन खा ले। अच्छा, छोड़ के चली गई। अबे तेरी खा ले, नागिन कहेगा तो छोड़ के नहीं जाएगी। क्या कहेगा? नागिन। नागिन नहीं बोला, मैंने बोला नागिन, काउंट मत कर। सॉरी, दूसरी गर्लफ्रेंड ने बताया क्यों चली गई? क्यों? कहती मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। अच्छा, एक दिन उसके घर पे गया, ताला तोड़ के उसका लैंडलाइन ही उखाड़ के ले आया, फोन ही उठा लाया।
तीसरी गर्लफ्रेंड क्यों गई पता है? एक दिन मैंने उसको फोन किया, बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। अच्छा। मैंने कहा तेरे को तो दाल चावल भी बनाने नहीं आता था, छोड़ के गई वो भी? वो भी छोड़ के तो जाएगी और क्या। गंदा बोल रहे, क्या कहो? बोलू और क्या बोलू, तू दुखी लग रहा है, अंदर से तकलीफ है तेरे को, क्या तुझे भी छोड़ के गई है कोई? हाँ भाई मेरे को भी छोड़ के गई। क्या हुआ था बता? अरे एक बार मैंने उसे फोन किया। अच्छा। तो कह रही कैसे फोन किया? हाँ जी। तो मैंने बोला कि मच्छर खून चूस रहे थे इसलिए तेरी याद आ गई। ओ पीड़ो चली गई छोड़ के। मैं भगा भी देता, अब तू फोन रख, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूं। नहीं ऐसा मत बोलिए, हम दोनों का दिल टूटा हुआ है और तू क्या तोड़ने की बात कर रहा है? नहीं पास नहीं करना। आ जा, दोनों भाई लोग मिलकर गम गलत करते हैं। अबे गम गलत नहीं, करो तेरा दिल टूटा है, भगवान तुझे बुद्धि दे और अच्छी जबान दे, गर्लफ्रेंड तो मिल भी जाएगी, ठीक है? ओके जी, ओके बाय। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफ्को।